यूपी में योगी सरकार आते ही अपराधियों के पसीने छूटने लगे थे। कुछ अपराधी तो जेल चले गए तो कुछ अपराधियों को एनकाउंटर में मार दिया गया। अभी कुछ ऐसे बचे हैं जो लोगों को फोन कर धमकी दे रहे हैं। धमकी ऐसी वैसी नहीं बल्कि एसपी बनकर फौजी को धमका रहे हैं। एक ऐसा ही मामला कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां सिकंदरा कस्बे में रहने वाले सीआरपीएफ से रिटायर एक फौजी के नंबर पर एक फोन आया, जिसमें दबंगों ने फौजी को कानपुर देहात का एसपी बोलकर धमकाया और पुलिस को घर भेजकर दबिश देने की बात कही, जिसका वीडियो फौजी ने रिकॉर्ड कर थाने के इंस्पेक्टर से लेकर सीओ तक दे दिया, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं फौजी राजबाबू कटियार ने जिले के एसपी से मिलकर शिकायत की तो एसपी द्वारा पीड़ित फौजी को आश्वासन दिया गया है। फौजी परिवार सहित अपने घर में 7 दिन से कैद है और उसने दबंगों के डर से घर के बाहर लिख दिया कि अब यहाँ कोई नहीं रहता। इतना ही नहीं, फौजी दबंगों से इतना डरा हुआ है कि उसके घर का कोई भी बाहर जाता है तो घर में बाहर से ताला घर में दबंगों के डर से लगा जाता है कि घर वालों को कोई नुकसान न कर पाए। मेरा नाम राजबाबू है। कौन सी जगह भी है? ये विकास नगर है। तो आप लोग ताले में बंद है क्यों? जो एसपी साहब को पुलिस वालों के लिए यहाँ भेजा है मेरे पास, बोला अरेस्ट करने के लिए कि दहशत के लिए हम घर के अंदर ये 5-6 दिन से नहीं निकल रहे, घर के अंदर हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। तो किसका डर है आप? ये पुलिस बोला एसपी साहब पुलिस को अरेस्ट करने के लिए आपके लिए आपने भेजा है। कैसे पता आपको एसपी साहब का फोन? फोन आया था, उन्होंने क्या बोले थे? हम अपने आदमी भेजे, यहाँ पुलिस वाले कुछ कर्मचारी भेज रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताया था? कौन बोल रहे थे? उन्होंने बोला था एसपी साहब ने भेजा है। क्या बोले थे एसपी साहब? एसपी बोल रहा हूँ। हाँ, वो बोले थे मैं एसपी कानपुर देहात बोल रहा हूँ, हमें काफ़ी डराया धमकाया, जैसे दहशत के कारण हम घर में 4-5 दिन से घर में अंदर ही हैं। तो वो फोन किसने किया था, कुछ जानकारी हुई आपको? फोन का जानकारी तो सर फोन है, जानकारी तो इतनी नहीं है। नहीं, क्या नाम है इसका, किसने फोन किया? जिसने वो अरविंद है जो आया था, बताया था अरविंद है। हाँ, ये कहाँ रहता है? ये शास्त्री नगर बोल रहा था, अपने शास्त्री नगर में रहता हूँ। जिसने एसपी बन के फोन किया? वो तो वही बोल रहा था कि मेरा नहीं, मेरे मामा का लड़का है। एक्चुअली कौन है ये तो हम नहीं बता सकते। जो एसपी कानपुर देहात अपने रिकॉर्डिंग बोल रहा था वो तो सर पुलिस वालों का काम है कि उसको पकड़े। हमने उसको नाम दर्ज, एक अरविंद है वो बोल रहा मेरे मामा का लड़का है सर, उसको वो पकड़े तो उससे हकीकत निकल सकती है। इसके अंदर और भी कई ग्रुप हो सकता है पूरा, जो ठगने के चक्कर में है, या मेरे के अलावा कितने आदमियों को इन्होंने ठगा होगा, ये सारा ग्रुप है। कितने दिन से आप लोग नहीं निकले? हम लोगों को 4-5 दिन हो गए घर से बाहर नहीं निकले। पूरी फैमिली आपके अंदर? हाँ, फैमिली से अंदर है। ताला लगाया है क्या वहाँ? वो दहशत के कारण ताला लगा रखा, इससे पता चले घर में कोई है नहीं। पुलिस से मिले तो क्या बोला पुलिस वाले? पुलिस से सर मिला था मैं, एसपी साहब से बोले हमने कार्रवाई कर दी है। इसके पहले हम एसएचओ साहब से मिले और सीओ साहब से मिले, और 4 दिन इंतजार करने, 2 दिन एसएचओ साहब का इंतजार किया, फिर 2 दिन सीओ साहब का इंतजार किया, कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद फिर हमें मजबूरन एसपी साहब के पास जाना पड़ा। क्या बोले एसपी साहब? एसपी साहब बोले मैं कार्रवाई करता हूँ। कोई कार्रवाई? कार्रवाई मेरे समझ से वो जो धाराएँ लगी हैं 504, 506, उसमें कुछ नहीं निकलेगा। अच्छा। और उसमें हम लोगों का और ऑब्जेक्शन हो सकता है और वो हावी हो सकते हैं हम लोगों। कितने दिन पहले आपको डराया था उन लोगों? वो मेरे 21-22 तारीख को फोन आया था। अच्छा, एसपी से कब मिले आप? एसपी को हम 31 तारीख को मिले थे, सोमवार का। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई? हाँ, कार्रवाई एसपी साहब ने जो कार्रवाई यहाँ के लिए किया, उन्होंने तो बस इतनी धाराएँ लगाई हैं 504, 506, उसमें हम समझते हैं कुछ नहीं निकलेगा, हमें और टॉर्चर किया जाएगा कि मेरा कुछ नहीं हुआ, और वो यहीं दादा बने घूम रहे हैं, यहीं से निकलते हैं।